हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस। आज हम लेक्चर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 17 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मतलब ये है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे गाउज़ेस लॉ की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गाउज़ेस लॉ। मतलब यहाँ पर हम जितनी भी चीजें फाइंड करेंगे वो सब गाउज़ेस लॉ की हेल्प से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम वो गाउज़ेस लॉ की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में, लेक्चर 15 और 16 में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर फाइंड करना सिखा चुका हूँ गाउज़ेस लॉ की हेल्प से, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक है, और जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर कंप्लीट नहीं कराए, फर्स्ट वो लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आए। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट का मीनिंग समझाऊंगा आपको मैं, तो इसे बहुत ध्यान समझना, क्योंकि इसका मिसकॉन्सेप्शन रहता है बच्चों को, या वो समझते नहीं और इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही कि इनफाइनाइट होगा कुछ चीज। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान दो आप, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक रॉड ली है। ठीक है, आप इसे रोड कह दो, ठीक है, या फिर वायर कह दो, या फिर थ्रेड कह दो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है, इस रोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी अगर मैं कहूँ तो रोड कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अच्छा, इस जो रोड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इस रॉड के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये डायग्राम 3D में होता है असल में, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको 3D डायग्राम भी इसका बताऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो सब तरफ ऐसे फैला हुआ होगा। ठीक है, आप कोशिश करो इसे थोड़ा समझने की, क्योंकि इसका 3D डायग्राम तो आगे है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आप वो समझ लो। ठीक है, कुछ इस तरीके सब तरफ फैला हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं होगा, रॉड बहुत पतली है, वायर है, तो जो चार्ज है वो उसके लेंथ के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं इस तरीके से फैला होगा। ठीक है, देखो मैंने जो बनाया आपके सामने इस तरीके से फैला होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर कहूँ तो एंड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, और वायर की जो लेंथ है जिसके ऊपर चार्ज है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैला हुआ होगा, इस तरीके से जो मैंने आपको डायग्राम में बताया है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा आगे 3D डायग्राम के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको, यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई है कि जो रॉड है या वायर है, थ्रेड है, हमने उसके ऊपर चार्ज दिया और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेंथ के हिसाब से होगा, और जो एंड्स हैं वायर के जो एंड्स हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये क्रॉस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं 3D डायग्राम समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप समझो यहाँ इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट का मीनिंग समझो। अभी तो अब ये लाइन चार्ज समझा है मैंने आपको। ठीक है, अब मैं इनफाइनाइट का मतलब समझा रहा हूँ। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना आप, जो ये वायर है, ऐसा नहीं हुआ कि ये वायर बहुत लंबा है, मतलब आप ऐसा मान लो कि अर्थ से लेके मून तक की इसकी लेंथ हो गई, इनफाइनाइट आप उसे कहो। ठीक है, या अर्थ से लेके सन तक की हो गई। इनफाइनाइट का मतलब वो हो गया जिसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जबकि ये सारी डिस्टेंसेज मेजर कर चुके हैं हम, अर्थ से मून तक की, अर्थ से सन तक की सारी डिस्टेंसेज हमें पता है। ठीक है, लेकिन ये इनफाइनाइट हो गई, ये इनफाइनाइट का मतलब हो गया जो मेजर ही नहीं हो पा रही, अनंत हो गई। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस तरीके का हम कोई वायर लेते हो जो इनफाइनाइट लेंथ का हो। ठीक है, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है आप ध्यान समझो। एक्चुअल में देखो, सपोज मैं मान लेता हूँ जो ये वायर है इसकी लेंथ है सपोज 10 मीटर। ठीक है, इस वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो इनफाइनाइट का, तो ये चीज ध्यान समझना। अक्सर बच्चे इस टॉपिक को, इनफाइनाइट को समझ ही नहीं पाते कि इनफाइनाइट क्या है, और वो जो है बस एक याद रख लेते हैं या रट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इनफाइनाइट का मीनिंग समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान समझना। सपोज ये वायर है 10 मीटर का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कुछ इस तरीके का निकलेगा। ठीक है, तो
तो सपोज मैं मान लेता हूँ इस वायर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के दो या 10 mm के दो या 1 mm मान लो आप, सपोज 1 mm की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये रहा पी पॉइंट, 1 mm की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए जो ये वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ का हो गया है, ठीक है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो वायर की लेंथ है वो लेंथ इस दूरी से बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी अगर मैं कहूं तो जितनी दूरी पर पी पॉइंट है वो दूरी वायर की लेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब वायर के रेस्पेक्ट में अगर बहुत ज्यादा छोटी है तो हम इस पी पॉइंट के लिए इस लेंथ के हिसाब से इस वायर को इनफाइनाइट बोलेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का वायर कहलाएगा ये, ठीक है, समझ में आई बात आपको। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये वायर है ये चाहे 10 मीटर का हो चाहे 20 मीटर का हो, लेकिन जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अगर वो दूरी बहुत ज्यादा छोटी है वायर की लेंथ के रेस्पेक्ट में तो वायर इनफाइनाइट कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको? एक्चुअल बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। और मैं आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए वायर 10 मीटर का था, लेकिन सपोज मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये रहा एक और पॉइंट पी, ठीक है, और ये है यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, तो अब ये वायर इनफाइनाइट नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो दूरी कितनी दूरी पर है? 5 मीटर है, वो जो पॉइंट है, सॉरी वो जो पॉइंट है वो 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और 5 मीटर की दूरी पर है और 5 मीटर 10 मीटर के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, इसलिए ये वायर इस 5 मीटर वाले केस में इनफाइनाइट नहीं कहलाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं कहलाएगा। जबकि इस 1 mm के केस में ये वायर इनफाइनाइट कहला रहा था। तो सिंपल सी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो दूरी अगर वायर की लेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटी है तो हम वायर को इनफाइनाइट कहेंगे। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। अब आप आगे समझ लो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ थीम समझा देता हूँ फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। थीम ये है कि अब इस पी पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वायर बहुत लंबा है, ठीक है, तो मुझे गाउसियन सरफेस भी या तो बहुत लंबी मानना पड़ेगी, ठीक है, इस पॉइंट की जो दूरी है उसके रेस्पेक्ट में तो वायर बहुत लंबा है, यानी अगर वायर 10 मीटर का तो 10 मीटर की मुझे गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगी, ठीक है, और अगर 20 मीटर अगर 1 किलोमीटर का वायर हो गया तो 1 किलोमीटर की मुझे जो है इसकी इसके लिए गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगी, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जितनी वायर की लेंथ है उतनी हम गाउसियन सरफेस माने। अच्छा, गाउसियन सरफेस क्यों मानना पड़ेगी? क्योंकि चार्ज को मुझे एनक्लोज करना पड़ेगा, आगे जरूरत पड़ेगी ना इस चीज की, अभी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा थीम तैयार कर रहा हूँ मैं आपकी बस यहाँ पर, बाकी आगे टॉपिक पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। गाउसियन सरफेस मुझे इसलिए मानना पड़ेगी क्योंकि हम चार्ज को क्लोज करते हैं, वैसे भी एप्लीकेशन ऑफ गाउसियन लॉ है तो गाउसियन सरफेस का इस्तेमाल तो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो गाउसियन सरफेस मानूंगा वो खाली इतने पोर्शन में मानूंगा, ठीक है, पर यूनिट लेंथ के अंदर। कहाँ पर मानूंगा? पर यूनिट लेंथ का। असल में हम यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता था, लैम्डा बराबर क्यू बाय एल, ठीक है, एल क्या होता था, लेंथ ऑफ चार्ज्ड वायर, ठीक है, चार्ज्ड वायर की लेंथ होता था, ठीक है। तो क्यू बराबर कितना होगा? लैम्डा एल। क्यू बराबर कितना होगा? लैम्डा एल। ये फंडा मैं आगे यूज करूंगा इसलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो चार्ज है वो कितने पोर्शन का निकाला मैंने? खाली इतने पोर्शन का, जो इसका यूनिट लेंथ होगा उसका, उस पोर्शन का मैंने निकाला है, ठीक है। और वहां पर हम गाउसियन सरफेस मान लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। मतलब अगर मैं कहूं तो मैं इस जगह गाउसियन सरफेस मान लूंगा, खाली इतनी सी जगह, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मानूंगा क्योंकि वायर का शेप भी सिलेंडर है, ठीक है। अक्सर मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेसेस मानते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्फीयर पढ़ाया था तो मैं स्फेरिकल गाउसियन सरफेस मानी थी, अब यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज पढ़ा रहा हूँ,
जिसमें हम वायर का यूज कर रहे हैं या रॉड का यूज कर रहे हैं, और रॉड कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाउसियन सरफेस मानूंगा वो कैसे मानूंगा, मैं सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मानूंगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 3D में मैंने आपको बताने की कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आगे चलता हूँ मैं। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये लैम्डा वाली चीज ये आगे इस्तेमाल होगी, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसको समझ लेना, ठीक है। इनफाइनाइट का मीनिंग समझा दिया मैंने आपको, और यहाँ पर जो हम गाउसियन सरफेस मानेंगे किस तरीके से मानेंगे, कितनी लेंथ पर, खाली यूनिट पार्ट पर हम गाउसियन सरफेस मानते हैं और उसी की कैलकुलेशन करते हैं, और बाकी का फिर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा वो छोटे से पार्ट की वजह से निकलेगा, बाकी फिर हम उसे मल्टीप्लाई करके पूरे के लिए निकाल देंगे, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ध्यान दो, अब आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3D में आपको बताने वाला था, देखो ये वही रॉड है, ठीक है, चार्ज रॉड है, इनफाइनाइट मान लो आप इसे, इस तरीके से इनफाइनाइट मान लो, डैश डैश बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस चार्ज रॉड के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ध्यान दो आप, इस तरीके का, ठीक है। ये जो एरोज निकल रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, और ये सब तरफ होता है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी होगा। अब ये मैंने बनाया तो खाली चार जगह, लेकिन यहाँ बहुत सारी जगह होगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जहां से इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, ठीक है। दिखाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाया है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा 3D के अंदर कि इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब आप देख सकते हो कि जो ये टॉप पॉइंट है और जो ये एंड पॉइंट है, यहाँ पर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकल रही, वायर के चारों ओर निकल रही है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं निकल रही, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, मतलब मैं अगर यहाँ से इसको देखूं, इस जगह से मैं अगर देखूं तो कैसा दिखेगा, इस तरीके का ये वायर दिखेगा, टॉप पे से सर्कुलर दिखेगा मुझे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी वो कुछ इस तरीके की निकलती हुई दिखेंगी ऊपर से जब देखूंगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगे। तो क्या टॉप में से थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, मतलब यहाँ से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रहा ऊपर से, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है जो वायर की पूरी साइड से निकल रहा है, कर्व्ड जो एरिया है, कर्व्ड सरफेस है, वहां से निकल रहा है, जो ऊपर की टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस है उससे नहीं निकल रहा, ठीक है। ये 3D था, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, इसके चारों ओर मैं गाउसियन सरफेस सिलेंड्रिकल मानूंगा। देखो किस तरीके की गाउसियन सरफेस मानूंगा, अभी आगे आएगा, मैं इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके की गाउसियन सरफेस मुझे मानना पड़ेगी, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके की गाउसियन सरफेस मुझे मानना पड़ेगी, ये चीज अभी आगे आएगी आपसे, ठीक है। ऐसा मानने की वजह क्या है, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इस तरीके से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, और सब तरफ से, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, यहाँ से भी निकल रहा होगा, यहाँ से भी निकल रहा होगा, सब तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी बहुत अच्छे से। आगे बढ़ता हूँ मैं, अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वही रॉड है जो चार्ज्ड है, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ पी, ठीक है, ये एक पी पॉइंट है, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर, इस वायर से स्मॉल आर दूरी पर एक पी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे यहाँ पर गाउसियन सरफेस कैसी लेना पड़ेगी, सिलेंड्रिकल लेना पड़ेगी, सिमेट्रिक शेप की लेना पड़ेगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक शेप सिलेंडर होगा जो आ गई है, तो ये कौन सी सरफेस हो गई, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो ये सरफेस मानी है, मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ, इस सरफेस की लेंथ L मान लेता हूँ, ठीक है, इस सरफेस की लेंथ कितनी मान लेता हूँ मैं, L, और इस सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r, क्योंकि P पॉइंट पे निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो P पॉइंट कहाँ लाई करेगा,
इस गाउजियन सरफेस पर लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं हम इस पी पॉइंट के लिए तो कर रहे हैं, तो गाउजियन सरफेस भी जो होगी वो इस पी पॉइंट पे लाई करते हुए निकलेगी, ठीक है, मतलब ये जो पी पॉइंट है ये गाउजियन सरफेस पर लाई करेगा, ठीक है, और जो पी पॉइंट की दूरी है वो गाउजियन सरफेस की रेडियस होगी, मतलब इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी पूरी अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान देना, आप इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर इन सरफेसेस को स्प्लिट करूंगा, मतलब तीन तरीके से इस डेरिवेशन को मैं सॉल्व करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर जो ऊपर की सरफेस है इसको मैं नाम दूंगा एस वन, ठीक है, ये जो ऊपर वाली सर्कुलर सरफेस दिख रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये सर्कुलर सरफेस, ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा एस वन, ठीक है। जो ये कर्व्ड सरफेस दिख रही है पूरी, ये पूरी जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर की पूरी चारों तरफ की कर्व्ड सरफेस, ये पूरी कर्व्ड सरफेस को मैं नाम दे रहा हूँ एस टू, ठीक है। और जो नीचे सर्कुलर सरफेस होगी उसको मैं नाम दे रहा हूँ एस थ्री, ठीक है। मैंने तीनों को नाम दे दिया अपना एस वन, एस टू, एस थ्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के लिए स्मॉल एलिमेंट मानूंगा, पहले तो मैं यहाँ स्मॉल एलिमेंट मानूंगा और उस स्मॉल एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा और एरिया वेक्टर देखूंगा, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाली सरफेस है सर्कुलर सरफेस, इस सरफेस पर मैं एक स्मॉल एलिमेंट मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया मैंने, और इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो तो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ डी एस वन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। मैंने डी एस वन बना दिया है, वेक्टर लगा देता हूँ इसके ऊपर और, ठीक है। अब ये बात मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि इस वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ ई वेक्टर। अब आप देख सकते हो जो ये ऊपर वाली सरफेस है एस वन सरफेस है, इस सरफेस का, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी पूरी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब जो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर वही स्मॉल एलिमेंट लूंगा मैं एक पी पॉइंट पर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, डी एस टू। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ क्यों होगा, क्योंकि जो वायर है उसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता होगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सब तरफ इधर बाहर की तरफ निकल रहा था, अभी पीछे मैंने आपको डायग्राम बताया 3D में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी पूरा अच्छे से। अब ध्यान दो आप आगे, जो S3 सरफेस है, इस S3 सरफेस के लिए भी मैं स्मॉल एलिमेंट मानूंगा, आप थोड़ा इस डायग्राम को ऐसा कर लेना, देखो थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको समझ में आएगा, ये 3D शेप दिख जाएगा आपको, ये 3D शेप दिख गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मैं क्या मानूंगा, एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा, ठीक है, और इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा डी एस थ्री, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, यानी वायर के परपेंडिकुलर है। ये एलिमेंट अगर मैं इधर मानता हूँ तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर ये रोड नेगेटिवली चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती, बस सिंपल सी चीज है, अभी यहाँ आउटवर्ड से नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वही गाउजेस लॉ लगाऊंगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है, देखो आप, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गाउजेस लॉ, ठीक है, गाउजेस लॉ के अनुसार हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने जो यहाँ फाई बराबर सीजीएस लिखा है, सीजीएस का मतलब है सिलेंड्रिकल गाउजियन सरफेस, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख लेना सिलेंड्रिकल गाउजियन सरफेस, ठीक है, सीजीएस का मतलब है सिलेंड्रिकल गाउजियन सरफेस। अब क्यू इनसाइड निकालने के लिए हम यूज करेंगे लैम्डा बराबर क्यू बाय एल, ठीक है,
तो क्यू बराबर कितना होगा लैम्डा एल, ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, अभी शुरू में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के आगे चलता हूँ। देखिए तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटीग्रेशन सीजीएस, मतलब सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की बात कर रहे हैं हम, ई डॉट डी एस, मतलब मैं फ्लक्स को कैसे लिखा करता था, इस तरीके से लिखता था ई डॉट डी एस। अब मैं यहाँ ए के बजाय एस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में बताया था एस भी यूज कर लेते हैं और ए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ एस का यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम सब जगह जो एरिया माना है वो डी एस वन माना है, सरफेस का जो नाम दिया हमने एस वन एस टू एस थ्री नाम दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर ए की जगह एस ले लिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सी जी एस ई डॉट डी एस मतलब क्या है, सी जी एस मतलब मैंने आपको बता ही दिया सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, ई डॉट डी एस ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आप जानते हो, मैंने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दो बराबर मैंने लिखा है फाइव एस वन प्लस फाइव एस टू प्लस फाइव एस थ्री, ठीक है। ये बात आपको पता है जो प्लस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो सरफेसेज होंगे उन सबका प्लस सिंपली एड हो जाएगा। यहाँ कितनी सरफेसेज हैं, तीन सरफेस हैं एस वन एस टू एस थ्री, ठीक है। तो यहाँ सबका प्लस एड कर दिया मैंने फाइव एस वन फाइव एस टू प्लस फाइव एस थ्री, ठीक है। और क्यू को मैंने लिख दिया है लैम्डा एल और एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह है, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये एक चीज अलग से लिखी है, नहीं तो हम डायरेक्टली लिखा करते थे फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा करते थे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर बीच में ये टर्म भी डाल दी है, ये इसलिए लिखी है क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो तीनों सर्फेस के लिए है, ठीक है। अब मैं ये जो टर्म है इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखूंगा, ठीक है। अभी तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखा है मैंने पूरी सरफेस के लिए लिखा है, सीजीएस लिखा हुआ ना, सीजीएस मतलब सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, पूरी गाउसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। और उसे मैंने तीनों फ्लक्स जो है उन सबके सम के बराबर लिख दिया, लेकिन अब जो फ्लक्स है इन फ्लक्स को भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखूंगा एक एक सरफेस के लिए, मतलब एस वन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके टर्म्स में लिखूंगा इस फ्लक्स को, एस टू को जो लिखूंगा एस टू के अंदर जो द्वारा प्लस निकल रहा होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखूंगा, और एस थ्री द्वारा जो प्लस निकल रहा होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखूंगा, ठीक है। कैसे देखो, इंटीग्रेशन एस वन ई डॉट डी एस वन, खाली एस वन सरफेस के लिए लिखा मैंने ये वाली टर्म, यानी फाइव एस वन की जगह मैंने क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है, ठीक है, फाइव एस वन की जगह ये आ गया। ध्यान देना यहाँ जो इंटीग्रेशन का साइन था वो मैंने उसके ऊपर गोला बनाया था, जबकि यहाँ जो इंटीग्रेशन के साइन है उन पे मैंने गोला नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये पूरी सरफेस के लिए बात कर रहा है, ठीक है, पूरी सरफेस के लिए बात कर रहा है, इसलिए इस पे गोला बनेगा, जबकि ये टुकड़ों की बात कर रहा है। इस सरफेस के हमने तीन टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों की बात कर रहा है, एक तो ऊपर वाली, एक कर्व सरफेस और एक बॉटम वाली, ठीक है। तो ये इनके लिए बात कर रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई गोला नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी, मैंने इसको लिख दिया फाइव एस वन को इंटीग्रेशन ई डॉट एस वन, ठीक है। और यहाँ एस वन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एस वन सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे फाइव एस टू को लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस टू, ठीक है। और एस टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड सरफेस की बात चल रही है। और यहीं इसी तरीके से मैंने एस थ्री को लिख दिया इंटीग्रेशन एस थ्री ई डॉट डी एस थ्री, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, ये एस वन एस टू एस थ्री सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये इंटीग्रेशन किस किस के हैं, एस वन एस टू एस थ्री के, ठीक है। बाकी लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटेगा आपको पता है कॉस आएगा, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस आएगा, यहाँ पर भी कॉस आएगा और यहाँ पर भी कॉस आएगा, ठीक है। तो मैं डॉट हटा देता हूँ और यहाँ पर अब मैं कॉस थीटा लिख देता हूँ, मतलब कॉस थीटा के अंदर डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर दूंगा एंगल की, ठीक है। तो देखो क्या टर्म बनेगी, हमारे पास टर्म आएगी इंटीग्रेशन, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ ई आ चुका है लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन एस वन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन एस वन ई डी एस वन। अब ये डॉट जब हटा तो यहाँ आएगा कॉस 90, ठीक। अब कॉस 90 क्यों आ रहा है, आप देखो जो फर्स्ट सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए यहाँ आ गया कॉस 90, ठीक है। प्लस अपनी जगह है इंटीग्रेशन एस टू ई डी एस टू आ गया यहाँ पर, और यहाँ आएगा कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, स्मॉल एलिमेंट के एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है।
यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एस टू सरफेस की, यानी जो कर्व सरफेस है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस जीरो लिख दिया है मैंने, और लास्ट है इंटीग्रेशन एस थ्री ई डॉट डी एस थ्री। अब इसकी जगह डॉट हटेगा तो यहाँ आएगा कॉस, और अब आप देख सकते हो जो ये नीचे वाली सरफेस थी थर्ड सरफेस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, उसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ आ गया कॉस 90, ठीक है। बाकी ये टर्म्स अपनी जगह से ली, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे लिखा हुआ है, ठीक। अब आप देख सकते हो ये वाली टर्म तो हो जाएगी जीरो, ये वाली टर्म भी हो जाएगी जीरो, ठीक है, और यहाँ कॉस जीरो हो जाएगा वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। कैसे बाहर आएगा मैं आपको बता दूं, ध्यान दो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस कर्व सरफेस से निकल रहा होगा, जो सब तरफ से कैसा निकल रहा होगा, सेम निकल रहा होगा, सब तरफ से सेम निकल रहा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्यों निकल रहा होगा सेम, ये भी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सब तरफ की जो डिस्टेंस है इस गाउसियन सरफेस पे वो सब तरफ सेम है, ठीक है, यानी स्मॉल आर है। जब डिस्टेंस सब तरफ सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब तरफ सेम निकलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दो आगे, अगली टर्म क्या आएगी हमारे पास, ये वाली टर्म तो हो गई जीरो, ठीक है। सेकेंड वाली टर्म में ई बाहर आ जाएगा, ई बाहर क्यों आया, क्योंकि सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसलिए बाहर आ गया, क्योंकि जब कॉन्स्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है टर्म, ओनली क्या बचेगा अंदर इंटीग्रेशन में डी एस टू, और कॉस जीरो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है, और ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो, क्योंकि यहाँ कॉस 90 है, बराबर कितना आएगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो ये चीज, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, ध्यान दो अब आगे, ये वाली टर्म आगे लिखी भी मिलेगी आपको, ठीक है। ये देखो ये वही जो पीछे टर्म थी ये वही है, ठीक है, पीछे जगह नहीं थी इसलिए मुझे आगे आना पड़ा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ई बाहर आ चुका है और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, एस टू आएगा, ठीक है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई इंटू एस टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, एस टू, ठीक है, बराबर लैम्डा एल इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, लैम्डा एल, ठीक है। अब जो एस टू है वो कौन सी सरफेस थी, कर्व सरफेस थी, ठीक है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब जो कर्व सरफेस होगा सिलेंडर का वो क्या होता है, टू पाई आर एल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ई अपनी जगह और एस टू की जगह लिखूंगा टू पाई आर एल, ठीक है, टू पाई आर एल। टू पाई आर तो क्यों होगा, क्योंकि जो कर्व है वो होगा, और एल क्या है, उसकी लेंथ, ठीक है। आपको याद होगा मैंने अभी पीछे बताया था इस तरीके का सिलेंडर, हमने जो गाउसियन सरफेस मानी थी वो कुछ इस तरीके की मानी थी, ठीक। तो एल लेंथ तो ये हो गई, और आर क्या है, इसकी रेडियस, इस सिलेंडर की रेडियस की, ठीक है। तो टू पाई तो क्यों होगा, क्योंकि जो ये कर्व है उसके लिए होगा, और एल लेंथ इसके लिए होगी, ठीक है, टू पाई आर एल, और इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ एल से एल कट जाएगा, ठीक है, और जो टू पाई आर है वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, ई बराबर लैम्डा बाय टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो एक टर्म आ चुकी है हमारे पास, ये एक फॉर्मूला बन चुका है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है हमारा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, मैं और क्या कर सकता हूँ इसको, इसमें मैं ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू लैम्डा अपॉन टू इंटू टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट, मैंने ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हो टू इंटू टू क्या बन जाएगा, फोर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी टर्म, टू लैम्डा बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं पहले लिख देता हूँ इंटू आर, ठीक है, और ऊपर क्या होगा, वन तो हो गई, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, के, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिख दूंगा, टू के लैम्डा बाय आर, ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो फाइनल क्या आएगा, ई बराबर टू के लैम्डा बाय आर। ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला, आप ये आपको ये भी याद करना है और ये भी याद करना है, ठीक है। मैं इस पर बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, डिस्टेंस के, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और डिस्टेंस घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है,
अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। ग्राफ देख लो आप हाथों हाथ यहाँ पर ही, ठीक है। ग्राफ किस किसके बीच में बना रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो जिसका ग्राफ है वो इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये ग्राफ बना लेना, यहाँ तक आके ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। ये लेक्चर यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम इनफाइनाइट प्लेन शीट द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।